क्या वाकई सकरन पुलिस पर तहसील स्तर प्रशासनिक अफसरों के फरमान लागू नहीं होते? तभी तो खुजरा गांव में दलित की जमीन पर पुलिस ने दबंगों का दोबारा कब्जा करा दिया, जबकि 16 जुलाई को एसडीएम के फरमान पर राजस्व विभाग की टीम ने दलित की जमीन पर अवैध कब्जे ध्वस्त कराए थे। दबंगों द्वारा दोबारा कब्जे किए जाने पर पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत की है। इस पर एसडीएम ने कब्जा खाली कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि सरकार थाना क्षेत्र के कुभारनपुरवा मजरा खुजरा निवासी दलित राम भूखन की जमीन पर बरिहाना निवासी दबंग शत्रुघ्न राजकुमार व पलौली निवासी सर्वेश ने जबरन कब्जा कर पक्की दीवारें बना ली थी। इस मामले में पीड़ित राम भूखन ने उपजिला अधिकारी लहरपुर से शिकायत पर न्याय की गुहार लगाई थी। शिकायत पर एसडीएम ने मामले की जांच कराई तो जांच में मामला सही पाया गया। इस पर एसडीएम ने कब्जा खाली कराने के लिए कब्जेदारों को 3 बार नोटिस दी गई थी, मगर कब्जा छोड़ा नहीं गया था। एसडीएम के फरमान पर बीते 16 जुलाई को क्षेत्रीय कानून गोवा लेखपाल प्रदीप वर्मा ने, तत्कालीन कार्यवाहक थाना प्रभारी करुणेश सिंह ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जाकर दबंगों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी से गिरवा दिया था, पर कुछ दिन बाद दबंगों ने उस जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया। पीड़ित राम भूखन का आरोप है कि मंगलवार को उक्त दबंगों द्वारा सकरन थाना अध्यक्ष पुष्पराज कुशवाहा व हल्के के सिपाहियों की मौजूदगी में दोबारा जमीन पर कब्जा कराकर छप्पर व तिरपाल डाल दिया गया है। दलित राम भूखन ने पुनः उपजिला अधिकारी से शिकायत की। इस मामले में पीड़ित राम भूखन व अर्चना ने मामले की जानकारी दी। आपकी जमीन जो है वो ले लिए हैं? गिरही धरे थे, रखा है उन्होंने, तो अब दे नहीं रहे, पैसा अदा हो गया ना? पैसा उनको दे दिया, अभी पड़ते जबरदस्ती करते हैं और ख्या तक जाओ तो लेकर रखदा लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमने जमीन खरीद ली है क्या? क्या कह रहे हैं? कहा था हम खरीद लिया। किसको पैसे दिए हैं? तुमको दिए हैं पैसे? पैसा हम कहा गिरही धरे रहे खेत, पैसा हम वापस कर दे रहा। वापस कर दिया उनको, उसके बाद उन्होंने तुमको पैसे से नहीं दिए हैं? पैसा गिन लेते हो तुम? पैसा हमका गिनना ना आता है, 5,000 हुई है तो क्या करते हो तुम? क्या करते हो? खेती वगैरह? खेती मजदूरी धन करा। कब्जा उन्होंने जबरदस्ती कर रखा है? ख्याते जे थे तो धमकी देते हैं, गांव में हो तो आदमी से कह के मर जाते हैं, कहा था गाँव मिल जाए। अच्छा, मारने का पूरा प्रयास बना रहे हैं। समस्या है ये, सर्वेश राजकुमार सर्वेश रहे वाले हैं पलौली के, और शत्रुघ्न राजकुमार बरियाने के रहे वाले हैं। हमारी जमीन पर ही कब्जा कर लेनी है। कौन सी जमीन है? घर वाली रहने वाली है, मतलब कि या खेती करने योग्य भूमि है? खेती वाली वाली हमारे सास ससुर के पैतृक संपत्ति है, वह कोई केरी ना है ना खेत है। सभा केरी खेत है? हाँ, हमारे खेत है, सब हमारे जबरदस्ती कब्जा कर लेने। हमारे आदमी साहब देख लियो सर, ऐसा है कि बातों करे तमीज नाई है, जैसे 5,000 रूपया ना गिन पाओ तो कई लाख लाख रूपया सबके कैसे गिन सकते हैं? नहीं तो वो क्या कहते हैं कि हमारी है? हाँ, वही कहते हैं कि हम कबू लिखा लिया रहा है कि स्टाम्प पेपर पर लिखा है, कोई बताते 75,000 लिया है, कोई बतावते है कि लिया है 1,00,000 दिया है, कोई बताते कुछ और गलत नकली साइन बनाए घूमते हैं। आदेश होगा, आदेश के बाद जैसे भी आई खाली कर गया तक वह रात में यहाँ फिर बस लेन। अच्छा, फिर से डाल लिया उन्होंने? हाँ, फिर राते राते फिर साहब चाहे। फिर आपने शिकायत की दोबारा? शिकायत ना करन साहब, शिकायत का करी, कहते हैं थाने के जाइयो माडरी बा जहाँ तहाँ गाड़ा बैठे थे, हमका जाना ना मना है, सब कहूँ जाये थे लालपुर गेनौरा लालपुर घेरी जहाँ देखो तहाँ जाये रास्ते में मिलते हैं। और अभी पुष्पराज साहब आए हैं तो ये हमारे का सुनी है, ये तो हमारी बिटिया मारी गई है तो रिपोर्ट नहीं दर्ज करी है। क्या हुआ था बिटिया, किस लिए मारी गई थी? केरे बाद दौलत ने ये बसेन लिहनी है। अच्छा, हमारी बिटिया खोपड़ी तमाम सर फाटी गई रहे, इतना फाटी रहे कि हमारी बिटिया करवाई थी आपने? डॉक्टर यहाँ सांडा में है करवा, सांडा में ना कोई फायदा भाई तो डिफर हो गए हमारी बिटिया जिला सरकारी अस्पताल में। मारा किसने था? मारिन है सर्वेश राजकुमार शत्रुघ्न हो मारिन है, तो बेहोशी के हालत में है, हम अपने ले गए रहे सीतापुर में। इन्हीं लोगों के पहले भी जब झगड़ा हुआ है तो इन्हीं लोगों से हुआ था? हाँ, इन्हें लोगों से भवा रहे, तब से कब्जा करे हमारी जमीन पर ही हम। उधर एसडीएम लहरपुर पीएल मौर्य ने बताया कि दोबारा कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।